इस देश में बहुत से नौजवान बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं। हर नौजवान अपनी आंखों में भविष्य के सपने, सुनहरे सपने लेकर जैसे ही महाविद्यालय और विद्यालयों की दहलीज के बाहर कदम रखता है, उसे जमीनी हकीकत की कटु सच्चाई से दोचार होना पड़ता है। बहुत से लोग जहां सरकारी नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं, वहीं कुछ नौजवान निजी क्षेत्र को अपना भाग्य समझ कर उसी में अपना भविष्य तलाशने लगते हैं। इन दो क्षेत्रों को छोड़ कुछ नौजवान स्वरोजगार को तरजीह देते हैं, लेकिन उनके लिए भी अपना भविष्य संवारना इतना आसान नहीं है। इसमें सबसे पहला कठिन कार्य है अपने व्यवसाय में क्षेत्र को चुनना कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं। इसके बाद जो सबसे कठिन कार्य है, उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए नौजवानों को धन का प्रबंध करना। धन का प्रबंध न होने पर कई युवा उद्यमियों के सपने अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। कभी बैंक के चक्कर तो कभी साहूकारों की कभी खत्म न होने वाला ऋण। लेकिन ऐसे ही स्वरोजगार की कल्पना करने वालों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंधेरे में किसी आशा की किरण से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने स्वरोजगार का सपना पाले युवाओं के लिए मजबूत हाथ आगे बढ़ाया है और आसान ऋण की सुविधा प्रदान कर उनके सपनों का भागीदार बनने का सराहनीय कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर बड़सर उपमंडल की करेर पंचायत के तहत एक छोटा सा गांव है, डमियाना। गांव की पहचान के नाम पर इस गांव में एक बोर्ड तक नहीं लग पाया है। कच्ची पथरीली सड़क और छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बसा ये गांव। गांव के नाम पर केवल 20 से 25 घर। इस गांव के युवा विपिन ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जिस प्रकार लाभ उठाया है, उसका उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई कर चुके विपिन किसी समय सरकारी नौकरी की तलाश में बेंगलोर तक भटक कर आया था। वेतन इतना कम था कि उससे किसी बड़े शहर में रहना और खाना पीना लगभग असंभव था। लेकिन विपिन ने मन में कहीं न कहीं अपना व्यवसाय करने की ललक थी। पैसे की कमी उसे अपना सपना पूरा करने में बाधा बन रही थी। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपने माता पिता से धन लेकर व्यवसाय शुरू करता। बैंक की गारंटी के अभाव में लोन साफ इनकार कर देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विपिन के जीवन में वरदान बनकर आई। विपिन ने बैंक में अपने सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया और उसके बाद विपिन के सपनों को मानो पंख लग गए हों। विपिन ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख का लोन लेकर खरगोश पालन का व्यवसाय किया। आज डमियाना गांव की पहचान खरगोश पालन और विपिन के नाम से हो रही है। विपिन ने अपने व्यवसाय से न केवल खुद की रोजी रोटी की राह आसान की, बल्कि क्षेत्र के अन्य लोगों को भी विपिन कुमार ने इस तरह खरगोश पालन केंद्र खोलने में मदद की। सारे प्रदेश में विपिन कुमार के खरगोश पालन केंद्र से खरगोश की आपूर्ति हो रही है तथा उसका अगला लक्ष्य विदेश में खरगोश के निर्यात का है, जिसे शीघ्र हासिल करने के लिए उनकी बात चल रही है। विपिन कुमार का खरगोश पालन केंद्र देखने के लिए जहां लोग दूर दूर से आते हैं, वहीं गांव में खुशनुमा माहौल है। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद विपिन शीघ्र ही पढ़ने सूत्र में बंधने जा रहे हैं तथा उनके घर में महिलाओं के लोकगीतों की बोलियां सांझ होते ही सुनाई देनी शुरू हो जाती है। अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ खोला गया ये खरगोश फार्म अब विपिन कुमार के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। रैबिट्स की देखभाल में ही इनका ज्यादातर समय व्यतीत होता है। फार्म में उनके पास न्यूजीलैंड व्हाइट, न्यूजीलैंड ब्लैक, कैलिफोर्निया व्हाइट, सोवियत का चिचिला, ग्रीसेंट प्रजाति के खरगोश पाल रखे हैं। वहीं फ्रेंच व जर्मन अगोरा नाम का खरगोश भी यहाँ मिल जाएगा। न्यूजीलैंड का फ्योर व्हाइट खरगोश हिमाचल प्रदेश की पहली पसंद बन गया है। विदेशी खरगोश की खरीद के लिए अब राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमीरपुर में ही विदेशी खरगोश की हर प्रजाति उपलब्ध है। न्यूजीलैंड व्हाइट नाम का खरगोश हिमाचल की पहली पसंद बना है। अब तक विपिन कुमार 1200 खरगोश बाहरी राज्यों में भेज चुके हैं। वहीं सैकड़ों खरगोश हिमाचल के लोगों ने शौक के तौर पर यहां से लिए हैं। न्यूजीलैंड खरगोश पूरी तरह से सफेद हैं, जिसमें एक भी बाल किसी अन्य रंग का नहीं मिलेगा। इसकी आंखें भी इसके रंग से ही मिलती हैं। यही कारण है कि ये लोगों की पहली पसंद बना है। इस अवसर पर लाभान्वित विपिन कुमार ने बताया कि
कॉम करने के बाद कहीं संतुष्टिजनक नौकरी नहीं मिल रही थी। मात्र 2-4 हजार रुपए में कमरे का किराया और बाकी जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल काम था। उससे पहले लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाए। कोई भी बैंक मुझे 50 हजार रुपए का लोन नहीं दे रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उन्हें बहुत लाभ पहुंचा। उन्होंने कहा कि वो अपना खरगोश पालन का काम करना चाहते थे, लेकिन बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा था। जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई तो वे बैंक में गए और उन्होंने बैंक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की मांग की तो बैंक ने उन्हें कुछ कागजात और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवाने की बात कही। जब उन्होंने जरूरी दस्तावेज जमा करवाए तो आसानी से उन्हें बैंक द्वारा बिना गारंटी के लोन जारी कर दिया गया। विपिन ने बताया कि मैंने गत वर्ष जुलाई माह में ये काम शुरू किया था। शुरू शुरू में दिक्कतें भी आई, लेकिन पशुपालन विभाग की मदद से उन्होंने संभाला तथा 31 मार्च तक उनकी टर्नओवर 11 लाख के करीब थी, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का उनका मुनाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित विपिन कुमार ने प्रधानमंत्री का इस योजना के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि जब बैंक मुझे बिना गारंटी के 50 हजार का लोन देने को तैयार नहीं था तो इस योजना के तहत उन्होंने बैंक से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख रुपए का लोन लिया। उन्होंने कहा कि यही एक लोन है जो युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देता है। विपिन ने बताया कि खरगोश पालन का मुख्य उद्देश्य भोजन मीट के लिए होता है, लेकिन लोग शौक के लिए खाद व दवाइयों आदि के प्रयोग के लिए भी खरगोश खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें खरगोश अन्य राज्यों से मंगवाने पड़ते थे, जिसकी लागत काफी पड़ जाती थी, लेकिन अब हमने यहीं पर प्रजनन प्रक्रिया भी शुरू करवा दी है तथा उनका लक्ष्य विदेशों में अपनी खरगोश निर्यात करने का है ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिल सके। तो ज़्यादा दिनचर्या का ऐसा है कि आप सुबह उठें, फार्म में आएं, विजिट करें, उसके बाद साफ सफाई करें, फिर आप इनको घास पानी दाना जो भी है आप दें, और एक बार आप सभी रैबिट के ऊपर इनकी जो एक्टिविटी है इसके ऊपर नज़र डालें, क्योंकि इसी से हमें पता चल जाता है जो रैबिट स्वस्थ होगा वो बिल्कुल खिला खिला होगा, खेलता हुआ होगा, खुश होगा, आपको नज़रों में ही पता चल जाएगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने कुछ खास नहीं है क्योंकि ये बहुत कम है, अगर लाइव स्टॉक का बिजनेस करना है तो इतना तो चलता ही है, लेकिन ये है कि अगर आप इन दिक्कतों को नज़रअंदाज करके इनका सलूशन ढूंढेंगे और आगे बढ़ने के लिए उसका सलूशन ढूंढ के उस बिजनेस को करते रहेंगे तो नेचुरली आपको प्रॉफिट होगा। जुलाई में स्टार्ट किया था पिछले साल 2017 में, तो मार्च तक मैंने 11 लाख का टर्नओवर निकाला था इससे, जो कि मतलब मेरा 5 लाख का नेट प्रॉफिट ही था जी। और मैक्सिमम में मैंने एक चीज़ देखी है सर कि जो भी ये फार्म लगवा रहे हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, जैसे इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर हैं जिन्होंने मतलब फार्म लगाया है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो ये फार्म लगा रहे हैं, तो इस तरीके का मतलब पढ़े लिखे युवा आगे आ रहे हैं इस खरगोश फार्म को करने के लिए। सर 2-5-6 सालों से बेरोजगार भटक रहा था यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में, सही नौकरी ना मिलने की वजह से जो इच्छाएं तो बहुत थी आगे बढ़ने की, और बीकॉम भी इसी चक्कर में किया था कि बिजनेस करेंगे, नौकरी का ज़्यादा शौक भी नहीं था, लेकिन फिर भी फाइनेंस ना होने की वजह से नौकरी की तरफ भागे, नौकरी भी ना मिली, फिर दुख होता था कि मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम, तो बैंक के चक्कर काटने स्टार्ट किए, फिर जैसे ही बैंक वालों की तरफ से फाइनेंस उपलब्ध हुआ इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो हमने ये काम करना पिछले साल स्टार्ट किया 2017 में, तो 2017 से आज तक मैं तकरीबन 60-70 लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिसमें से 7-8 लोगों के मैंने फार्म लगवा दिए हैं, तो 7-8 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके कईयों के तो फार्म ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जिनके फार्म से माल उठना भी स्टार्ट हो गया, जैसे बायबैक हम लेते हैं उनसे तो वहाँ से माल उठना भी स्टार्ट हो गया, और कुछ इस महीने लगे हैं हमारे फार्म, तो आगे बढ़ता ही जा रहा है काम। जैसे जैसे पहले क्या था कि लोगों को एक डर सा था इस बिजनेस के तहत कि ये पता नहीं कैसा बिजनेस है, इसमें रैबिट बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन खरीदेगा, सबसे ज़्यादा बात ये होती थी कि कौन खरीदता है इसको, सब ऐसे झूठ बोलते हैं कि नहीं रैबिट बिकेगा नहीं, और सभी ऐसे बोलते हैं जी नहीं हम खरीद लेंगे हम खरीद लेंगे, मैक्सिमम लोगों के मन में यही डर था कि कोई भी खरीदने के लिए नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हमने ये उनको समझाया और छोटे छोटे फार्म लगाने स्टार्ट किए, जैसे जैसे फार्म लगते गए वहाँ से माल उठ गया, अब 100-100 पीस के फार्म भी लग रहे हैं, तो आगे और भी ज़्यादा काम हमारा बढ़ रहा है। इस अवसर पर विपिन की माता मीना कुमारी ने बताया कि मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था तथा उसने बीकॉम करने के बाद कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन वह अपना काम करना चाहता था तथा उसे अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की।
हाँ जी, मेरा लड़का पढ़ाई में अच्छा था, पहले से इसकी चॉइस थी कि मैंने बिजनेस करना था, बीकॉम की इसने, बहुत अच्छा था, परसेंटेज भी अच्छी थी। फिर इसने कंपनी ज्वाइन की, फिर कंपनी छोड़ी, इसने बिजनेस करना, मैंने बिजनेस ही करना, फिर इसने खरगोश वाला पालन किया तो अच्छा काम चला, अच्छी अच्छी मेहनत की इसने, अच्छा ठीक आमदनी, अच्छी ठीक अच्छे को हो रहा। सर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत हमीरपुर जिला में लगभग 236 करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन स्वरोजगार का सपना लिए युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें बिना गारंटी के आसानी से लोन जारी किया जाता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।